इधर जदयू के टूंडी विधानसभा के पंचायत प्रभारी से प्रभारी और प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें तोपचाची में आयोजित की गई थी और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सह जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और जदयू प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह उपस्थित हुए। बैठक में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को जिताने की राजनीति बनाई गई। बैठक में प्रत्येक बूथ पर जदयू के कार्यकर्ता हों और उस पर भी रणनीति बनाई गई है। बैठक को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सह जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जदयू के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में 14 लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कमर कस ली है। चुनाव हो रहा है और बैठक में आके हम लोग ने अपने रणनीति बनाया है। विधानसभा में हमारे पूरा की ओर से तैयारी होगी और लोकसभा पर भी हम इस बार लोकसभा में गिरिडीह से एनडीए का प्रत्याशी उतारा गया है, क्या कुछ लगता है समर्थन मिलेगा आपका या नहीं? देखिए, एनडीए का प्रत्याशी उतारा गया है, समर्थन मांगने वाला भी तो पहले आए मांगे कि हमारे कार्यकर्ता नेताओं से आप महासचिव महासचिव प्रदेश के हैं, हमारे यहाँ से महासचिव है आपका सुशील सिंह है, राजेश सचिव है और बहुत लोग हैं, रामचंद्र यादव जी हैं दूसरा पद के, तो मांगेगा आके समर्थन करिएगा तब तो फिर समर्थन की बात होगी। जनताओं के बीच में इनका करीबन 5 साल का जो कार्यकाल रहा, जनता कहते हैं कि क्षेत्र में नहीं आए, जनता के साथ नहीं मिले, क्या कुछ कहेंगे? अब जनता के देखिए सब सबसे तो मिल नहीं सकता है, कोई भी सांसद हो जाए कहीं तो जाएगा ही, अगर नहीं मिले कोई शिकायत है तो जनता के बीच में बैठक होती है, जैसे पार्टी कार्यकर्ता भी बैठक हमारे लिए इतने लोग थे उस बीच में आएंगे, वहीं ऐसे बात होगी भाई आपने आपके लिए मरा मिटा सब कुछ किया, एक दिन भी आपने भेंट नहीं किया, जब आपसे भेंट करने जाते थे समय नहीं मिलता था बात करने के लिए, फिर सामने बात होगी तब ना आप लोग बोला हमसे जो भी हुआ अब ऐसे भविष्य में एनडीए के साथ हो, एनडीए तो सिर्फ आपको अपना मीटिंग कर दिया था, अभी हम उनके साथ भी बैठक किया। आप समर्थन देने के लिए मीटिंग कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक समर्थन लेने की बात नहीं कही है, आपकी क्या कथन है? देखिए समर्थन देने के लिए तो सभी उनके सांसद बीजेपी के सब बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर के नेता